बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के बारे में, जिनकी वैकेंसीज 30 है। और इसके साथ मैं आप लोगों को नैब का सिद्ध भी बताऊंगा। ये जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं और इन जॉब्स पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो तरीक़ाकार होगा वो हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। अगर आप पहली मरतबा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, वैसे तो ये जॉब्स बहुत सारी हैं, ये जॉब्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं 14 स्केल की, और इसमें ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर आप देखें तो 30, और एज की बात करें तो 18 से 28 है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक साल का कोई भी कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए, 40 words per minute आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इसके साथ आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों टाइप करने आने चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके साथ आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर होगी, पूरे कंट्री में कहीं पर भी जहाँ पर ज़रूरत हुई स्टाफ की वहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, और ये बिल्कुल वैसा काम होगा जैसे आप डाटा एंट्री का काम करते हैं। तो बेहतरीन जॉब है, आप इन पर ज़रूर अप्लाई करें। इसके साथ नेक्स्ट हम ये आपको दिखा देते हैं नैब कासिद की, ये देखें जॉब्स हैं जिसका स्केल दूसरा है। प्राइमरी पास होना चाहिए, 18 से 25 साल उम्र है, और 14 जो है ना इसकी वैकेंसीज़ हैं, और इसमें भी आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और बात करें अप्लाई करने की, तो आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी रहते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या अटैच करना होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSC जो है ना वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और रिलैक्सेशन इन द एज ऑफ 5 years ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब एज लिमिट विल। अच्छा, जो मैंने आपको एज बताई है उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन भी है, तो डाटा एंट्री वाले 28 में 5 ऐड करें 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है इलेक्शन कमीशन की, ये देखें ECP.gov.pk या फिर jobs.ECP.gov.pk। 12 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने 12 अक्टूबर तक इस एड्रेस पर भेजना भी है। तो ये PO बॉक्स नंबर आप देख रहे हैं 1418, यहीं पर आपने भेजना है, किसी और जगह पर भेजेंगे तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके साथ आप लोगों ने क्या क्या अटैच करनी है फॉर्म के साथ, एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा ना, उसके साथ आपने CNSE की अटेस्टेड फोटोकॉपी, डोमिसाइल की, और दूसरे जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे उनको भी आपने अटैच करके फॉर्म के साथ इस एड्रेस पर भेज देना होगा 12 अक्टूबर तक। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉब्स के बारे में बताने वाला था डाटा एंट्री की जॉब्स के हवाले से। अब आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला हो, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछें, और मजीद अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।